नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए आज सेट नंबर 29 डिस्कस करते हैं। और आज है 2 अप्रैल 2021। जनवरी 2020 से लेकर मई 2021 तक के सारे करंट अफेयर जो है हम इन वीडियोस में, इन लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और कुछ बच्चों का यहाँ पर कहना था कि एक जो है ना, हर एक क्वेश्चन के साथ एक पिक्चर होनी चाहिए जिससे कि क्लैरिटी और बढ़िया हो। तो वो भी मैं कर दूंगा। मंडे से जो भी यहाँ पर जो नेक्स्ट लेक्चर सीरीज आएगी तो उसमें आपको यही चीजें मिलेंगी, साथ में क्वेश्चन भी होगा। और साथ में जिस भी क्वेश्चन के साथ मुझे लगेगा कि यहाँ पर पर्याप्त एक पिक्चर चाहिए और बढ़िया अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, तो मैं वहां पर पिक्चर भी डालूंगा। तो चलिए इस हफ्ते की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और अभी है क्वेश्चन नंबर 41। गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव एक्ट रिसेंटली पास्ड बाय, तो एक यहाँ पर एक एक्ट पास किया गया है किसी देश की जो यहाँ पर असेंबली है उनके द्वारा, तो ये कौन सा देश है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी फ्रांस। तो सही आंसर बताएं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यूएसए। तो देखो, महात्मा गांधी जी वो इंडियन ओरिजिन के हैं, और यहाँ पर एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर करके है ना, एक ये भी एक लीडर हुए हैं, लेकिन कहाँ पर हुए? यूएसए में हुए हैं। तो ये भी महात्मा गांधी जी की फिलोसफी से बहुत प्रभावित थे, और इनके भी मृत्यु हुई थी। ओके, इनको भी गोली गोली लगी थी, तो महात्मा गांधी जी को भी गोली लगी थी। और अभी इस एक्ट के तहत क्या किया जाएगा, तो यूएसए की सरकार जो ना इन पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ाएगी। ओके, तो एजुकेशन जो है ना वो प्रोवाइड की जाएगी। तो इसके चलते यहाँ पर ये जो है ना आपस में जो भी लिजेसीज होंगी, जो भी इनके आइडियाज होंगे, उनको एक्सचेंज किया जाएगा। तो इसके तहत होगा क्या कि यहाँ पर एक जो ना हर साल जो है एक प्रोग्राम जो है वो किया जाएगा। ओके, अमेरिका के द्वारा, जिसमें इंडियन ओरिजिन के स्टूडेंट्स होंगे और अमेरिकन स्टूडेंट्स होंगे, तो आपस में बैठकर जो है ना, जो जो भी पता होगा, जिसको भी, जैसे अगर इंडियन स्टूडेंट्स को गांधी जी के बारे में अच्छी नॉलेज है तो वो अपनी नॉलेज एक्सचेंज करेंगे अमेरिकन स्टूडेंट्स के साथ। अगर अमेरिकन स्टूडेंट्स को मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में अच्छी नॉलेज, तो वो वाली नॉलेज जो है एक्सचेंज करेंगे। तो अभी हर साल जो है ना इसको मनाया जाएगा, एक प्रोग्राम रखा जाएगा जिसमें जो अमेरिकन और इंडियन स्टूडेंट्स बैठकर जो है आपस में जो अपनी नॉलेज है वो एक्सचेंज करेंगे इन दोनों पर्सनैलिटीज के रिगार्डिंग। ओके, तो इसके तहत ये एक्ट पास किया गया है। तो कहां पर पास हुआ है? यूएसए में। आगे है क्वेश्चन नंबर 42। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली कैन रिवर्स द दिल्ली कैबिनेट्स डिसीजन अंडर, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि देखो, जैसे जो हमारे राज्य होते हैं तो वहां पर एक गवर्नर होता है कि चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के भी ऊपर होता है एक तरीके से। कहने का मतलब कि अगर राज्य की असेंबली में से कोई भी बिल पास होता है तो वो एक्ट तभी बनेगा जब गवर्नर के साइन होंगे। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं, तो वो भी खास तौर पे वो यूनियन टेरिटरीज जो कि असेंबली के मतलब साथ, असेंबली के साथ बैठती, मतलब ऐसी ड्यूटीज जिनके पास असेंबली सीट्स भी हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल हूँ, दिल्ली है और दूसरी पौंडीचेरी है। ओके, तो दोनों के दोनों यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन इनके पास अपनी असेंबली भी है। ओके, तो जैसे यहाँ पर दिल्ली में भी सीएम चुनते हैं, तो ऐसे पौंडीचेरी में भी सीएम चुने जाते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं और आगे और जो ड्यूटीज की बात, जैसे चंडीगढ़ हो गया, ओके, दादरा एंड नगर हवेली हो गया, तो यहाँ पर कोई सीएम नहीं चुना जाता। ये डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर है। किसके अंतर्गत है? जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके। तो अभी यहाँ पर जो ड्यूटी है ना दिल्ली की, तो वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठते हैं। ओके, तो अभी क्या है, अभी उनके पास एक पावर है कि जो भी दिल्ली गवर्नमेंट अगर कोई फैसला लेती है ना, तो उसको वो पलट सकते हैं। ओके, तो मतलब कि अगर कोई भी फैसला अरविंद केजरीवाल की सरकार लेती है, तो अगर चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के, तो वो पलट सकते हैं। लेकिन वो यहाँ पर भारतीय संविधान के, यार यहाँ पर एक आर्टिकल के तहत होता है। तो वो कौन सा आर्टिकल है, कौन सा क्लॉज है? तो उसका आंसर आपने बताना है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 239, ऑप्शन बी है आर्टिकल 239A क्लॉज 4, ऑप्शन सी आर्टिकल 239A क्लॉज 2, एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 280। तो सही आंसर बताएं। तो कौन से आर्टिकल के तहत ये पावर है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी आर्टिकल 239A क्लॉज 4। और आगे है क्वेश्चन नंबर 43। पोर्ट लुइस विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज इज द कैपिटल सिटी ऑफ, ऑप्शन ए सेचिलीज, ऑप्शन बी मेडागास्कर, ऑप्शन सी मॉरिशियस, ऑप्शन डी मलेशिया। तो ये किस कौन से देश की जो है राजधानी है पोर्ट लुइस? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मॉरिशियस। तो ये न्यूज में क्यों थी? ये न्यूज में इसलिए थी कि हाल ही में जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो मॉरिशियस के प्रधानमंत्री हैं, ओके, तो उनका नाम प्रविंद है, ओके, प्रविंद जगनाथ। तो अभी इन दोनों ने मिलकर ना अभी मॉरिशियस में
इसी पोर्ट लुइस शहर में मॉरिशस की सुप्रीम कोर्ट का जो है ना उद्घाटन किया है, उसकी इनॉग्रेशन की है। तो इनकी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया, तो ये भारत की ग्रांट असिस्टेंस के द्वारा किया गया। तो भारत ने यहाँ पर सहायता राशि भेजी जिसके तहत इनकी सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ। तो अभी दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने उस सुप्रीम कोर्ट का जो है इनॉग्रेशन किया है इसी शहर में, पोर्ट लुइस में, जिसके तहत ये न्यूज में है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 44, लार्जेस्ट डायस्पोरा वो हु गॉट ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप इन 2019-20 इज। तो 2019-20 में जिस भी यहाँ पर क्षेत्र के लोगों को सबसे ज्यादा सिटीजनशिप मिली है, ओके, तो वो कौन से हैं? ऑप्शन ए इंडियंस, ऑप्शन बी ब्रिटिशर्स, ऑप्शन सी पाकिस्तानीज, ऑप्शन डी चाइनीज। तो सही आंसर बताएं इसका। तो क्या लग रहा है, क्या इंडियंस होंगे या फिर चाइनीज होंगे? तो कौन होंगे टॉप पर जिनको सबसे ज्यादा सिटीजनशिप मिली है ऑस्ट्रेलिया की 2019-20 के अकॉर्डिंग? तो इसका जो सही आंसर वो है इंडियंस। ओके, तो इंडियंस को यहाँ पर टोटल 38,000 इंडियंस है जिनको 2019-20 में ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप मिली है। दूसरे नंबर पर ब्रिटिशर्स रहे हैं, तो इनकी 25,000 तक यहाँ पर लोगों को जो है ब्रिटिशर्स को सिटीजनशिप मिली है ऑस्ट्रेलिया की। उसके बाद तीसरे नंबर पर चाइनीज रहे हैं, तो इनको अप्रोक्सीमेटली 15,000 के आसपास मिली है। और लास्ट पे रहा है पाकिस्तानी, तो इनको 9,000 के आसपास जो है सिटीजनशिप मिली है ऑस्ट्रेलिया में। आगे है क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉन एज दक्षिण भागीरथी। तो दक्षिण भागीरथी, तो देखो भागीरथी नदी किसको बोलते हैं पहले तो ये समझो। तो भागीरथी हम गंगा को बोलते हैं, ओके। तो अभी हम बात करें दक्षिण, दक्षिण भागीरथी किसको बोलेंगे? तो ऑप्शन ए है पेरियार रिवर, ऑप्शन बी पांपा रिवर, तो पांपा पांपा को पांबा रिवर भी बोलते हैं, ओके। ऑप्शन सी गोदावरी रिवर, ऑप्शन डी कृष्णा रिवर। तो बताइए दक्षिण भागीरथी कौन सी नदी को बोलते हैं? तो एक नदी ऐसी भी है जिसको हम यहाँ पर दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, ओके। तो अगर आपको ये पता है दक्षिण गंगा, तो कौन सी नदी दक्षिण गंगा? दक्षिण गंगा हम गोदावरी को बोलते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है दक्षिण भागीरथी किसको बोलते हैं? हालांकि गंगा और भागीरथी, अगर गंगा के कंपेरिजन में बात करें तो दोनों का एक, दोनों मतलब एक ही नदी के दो नाम है, गंगा और भागीरथी। लेकिन यहाँ पर दक्षिण भागीरथी कोई और है, गोदावरी नहीं है, ओके। बेशक इसको यहाँ पर दक्षिण गंगा हम कहते हैं, लेकिन जो दक्षिण भागीरथी है वो है पांपा रिवर, ओके। तो ऑप्शन बी जो है ना वो सही आंसर है। नाम याद रखें, लॉर्ड अयप्पा का मंदिर है, ओके। तो बहुत ही फेमस तीर्थ स्थल है, केरला में पड़ता है ये, तो इसी नदी के किनारे पे पड़ता है। तो क्या नाम है उस तीर्थ स्थल का? ओके, तो बहुत यहाँ पर फेमस नाम है, कमेंट कर सकते हैं आप आंसर कमेंट बॉक्स में, सॉरी। तो क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है सबरीमाला टेम्पल। तो न्यूज में क्यों रहता है? क्योंकि वहां पर वोमेंस को जाने की इजाजत नहीं रहती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 46, राफेल फाइटर जेट इज अ ट्विन इंजन फाइटर जेट मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है राफेल जेट, जिसको कि हाल ही में भारत ने खरीदा है? तो धीरे धीरे करके जो है अलग अलग खेप जो है राफेल विमानों की भारत पहुंच रही है। तो कौन सी कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया इसको? ऑप्शन ए एयरबस, ऑप्शन बी डसॉल्ट एविएशन, ऑप्शन सी बोइंग, ऑप्शन डी लॉकहीड मार्टिन। तो बताइए कौन सी यहाँ पर कंपनी है जो विमान बनाती है, जिसने राफेल को बनाया है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी डसॉल्ट एविएशन। डसॉल्ट एविएशन जो है ये फ्रांस की कंपनी है, और फ्रांस से ही हमने राफेल खरीदे। आगे है क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। ऑप्शन ए पक्के टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो सही आंसर बताएं इसका। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा वाला है भारत का? तो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है ऑप्शन बी नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इतना बड़ा है कि यहाँ पर 5 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में पड़ता है ये, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। और अगर मैं बात करूं पाके टाइगर रिजर्व की, तो ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, और जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है ये उत्तराखंड में पड़ता है। तो एक आपने बेयर ग्रिल्स की वीडियो देखी होगी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ थी, तो 1-2 साल पहले वो आई थी डिस्कवरी चैनल के ऊपर। तो वो सारी की सारी शूटिंग जो हुई थी वो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हुई थी, उत्तराखंड में हुई थी। तो इस पॉइंट से आप याद रख सकते हो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को। आगे है क्वेश्चन नंबर 48, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इज द नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया वर्किंग अंडर द एजेस ऑफ। तो किसके अंतर्गत काम करती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो सही आंसर बताएं क्या इसका।
तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और आगे है क्वेश्चन नंबर 49, मोबाइल ऐप मौसम हैज बीन लॉन्च्ड बाय। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ऑप्शन डी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो बताइए मौसम, तो मौसम इस मतलब को ही समझे, यहाँ पर मौसम के बारे में बताया जाएगा। तो मौसम के बारे में कौन बताता है? तो मौसम का मतलब वेदर, ओके, वेदर रिपोर्टिंग। तो हमारा वो डिपार्टमेंट करता है IMD, ओके, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो इसका काम है। तो आपको भी ये समझना है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कौन से मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो अगर ये पता चल गया तो जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। तो चारों में से एक यहाँ पर मिनिस्ट्री है जिसके तहत इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट काम करता है, तो वो कौन सा है? वो ऑप्शन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। और अभी बारी है आज की सीरीज का जो आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, डेयर टू ड्रीम 2.0 कॉन्टेस्ट इज एन ओपन चैलेंज टू प्रमोट द इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप ऑफ द कंट्री, इट वॉज लॉन्च बाय। तो इसको किसने लॉन्च किया, डेयर टू ड्रीम? तो मतलब कि जो हमारे इनोवेटर्स हैं, जो नए नए आइडियाज लेकर आए बच्चे या लोग, और उनको स्टार्टअप्स में कन्वर्ट करें, वहां पर फिर इन्वेस्टमेंट ढूंढें और उनको एक बड़ी कंपनी में कन्वर्ट करें, ओके। तो ऐसा ही यहाँ पर जो ना डेयर टू ड्रीम नाम का कॉन्टेस्ट चलाया गया, जिसका कि अभी दूसरा वर्जन हुआ है। तो अभी किसके द्वारा लॉन्च किया गया, आपको ये बताना है। ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड लास्ट इज DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो सही आंसर बताएं। तो डेयर टू ड्रीम, पहले यहाँ पर मतलब सपने लो और उसी को यहाँ पर साकार करने के लिए आगे बढ़ो, तो उसी के यहाँ पर चलते यहाँ पर ये चैलेंज, ये कॉन्टेस्ट किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? तो क्या आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप? तो क्या ये सही आंसर है? ऊपर वाले तीनों आंसर गलत हैं, जो ऑप्शन डी है ना वो सही आंसर है। तो इसको यहाँ पर DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है, ओके, डेयर टू ड्रीम 2.0, ध्यान रखें। तो कैसा लगा लेक्चर, अपना फीडबैक जरूर दें, जैसे कि आज दिया है, ओके। और मंडे से आपको पिक्चर भी साथ में लगी हुई मिलेगी, जहां जहां पर मुझे लगेगा कि जिन क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी होने के लिए यहाँ पर पिक्चर की जरूरत मैं लगाऊंगा, ओके। और शेयर करें लेक्चर्स को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।